हरिओम स्माइल्स। आज की नई सुबह सबके जीवन में नई खुशियाँ, नई उमंग, नई तरंग भरते। रात ने चादर समेट ली है और सूरज ने नई किरणें बिखेर दी हैं। क्यों ना हम सब सुबह उठकर आज इस सुबह का शुक्रिया करें कि हमें जीवन में एक दिन नया जीने का मौका मिला। यही बात कल गुरु ने सेशन में कही। हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक पल का शुक्राना। कल जितने लाइव एक्सपीरियंस शेयर हुए और जितनी सबकी छोटी छोटी प्रॉब्लम शेयर हुई, उतना ही विश्वास, उतना ही निश्चय गुरु के वचनों पर बढ़ता गया। क्योंकि सवाल जिसने भी किया, किसी न किसी ने उसका जवाब इस प्रकार से दिया कि वो इस चीज़ को अनुभव कर चुका है और गुरु के वचन अप्लाई करके उसको सॉर्ट आउट भी कर चुका है। सबसे बड़ी चीज़ है फेथ, एंड फेथ इन वन सेल्फ एंड फेथ इन अदर्स आल्सो। So trust in others, win cooperation from them. Generally, हमें दूसरे पर विश्वास नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जना, उसकी सोच, उसके तौर तरीके हमें गलत लगते हैं। और बार बार गुरु की ये बात बताने पर भी कि सब अलग अलग हैं, हम उन्हें गलत गलत देखते रहते हैं। तो गुरु ने बोला, ट्रस्ट इन अदर्स, एंड व्हेन देयर विल बी ट्रस्ट, देन वी कैन विन कोऑपरेशन फ्रॉम देम। टू हैव फेथ इन अदर्स also means reinforcing others people's faith in themselves. जो लोग कल सेशन में थे वो इन लाइन से कनेक्ट हो पाएंगे और यदि इन वचनों को, इन वाक्यों को समझ जाएंगे तो जीवन में बदलाव निश्चित है। To have faith in others also means reinforcing other people's faith in themselves. This naturally increases their self-confidence and creates enthusiasm. Kal Guru ne bola, chubid gayi us pe bindu laga do. सब पुरानी बातों पर विराम लगाकर जैसे नई सुबह मिली, जीवन में नई सुबह का आनंद लें। बासी खाने को नहीं खाते, बासी न्यूज़ नहीं पढ़ते, वस्त्र भी नए नए पहनना चाहते हैं, मूवी भी पुरानी नहीं, नई से नई देखना चाहते हैं, डिशेस भी नई से नई ट्राई करना चाहते हैं। तो फिर पुरानी बातों को भी क्यों ना हम जीवन से बिल्कुल जुदा करते हैं। आदमी आता है और आदमी जाता है, और आते जाते रास्तों पर यादें छोड़ जाता है, पकड़ के नहीं रखता, यादें छोड़ जाता है।
So when we will have faith in others, their faith and enthusiasm will also increase. This naturally increases their self-confidence and creates enthusiasm. Then they become better able to respond to positive feelings and access their full potential. जैसे जैसे हमारा विश्वास उनमें बढ़ेगा, जो भी वचन आ रहा है उसको कनेक्ट करो, समझो. अगर हमारे अंदर से पॉजिटिव जाएगा तो धीरे धीरे सामने से भी पॉजिटिव आने ही लग जाएगा. इफ आई नोटिस दैट समवन आई वर्क विद is not cooperating with me, I need to check my own faith in that person. अक्सर हमारा सामने वाले की नेचर में फेथ ही होता ही नहीं है. बिकॉज लाइफ में जो सेटलिंग स्टेजेस होती हैं वहाँ पे हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए होते हैं. सो द मोर वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड द मोर एजिटेशन वी हैव इनसाइड अस अबाउट दैट रिलेशन. सो लेट अस फॉरगेट द पास्ट एंड हैव अ न्यू फेथ इन all the people around us and understand the karmic theory. जब हमें ये विश्वास हो जाएगा, स्क्रिप्ट हमने ही लिखी थी और हम आगे लिख सकते हैं, तो हम फेथ के साथ उन जनों को नई दृष्टि से, नए भाव से, नई ऊर्जा से देखेंगे. When I am able to appreciate them for their unique qualities, my faith in that person will grow. As my faith develops, so will their attitude towards me. जैसे जैसे मेरा faith develop होगा, I will see a gradual shift in their energy. It may take some time though, but it is going to happen. Gradually, we become closer and are able to work together more easily. सारा खेल फेथ का है. जिन लोगों के रिलेशंस ठीक नहीं हैं, आई नो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस एंड अप्लाई दिस, पर गुरु ने यदि ये वचन दिया है तो ये बहुत लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, इसीलिए दोबारा से आज हमें समझा रहा है गुरु. जितनी भी बातें हमें किसी की भी ठीक नहीं लगती, आज हम सब प्रण लें, आज हम उन सब को पिंक एनर्जी और नई ऊर्जा भेजेंगे. And let us see कि अगर हमने पुरानी बातों पर बिंदु लगा दिया तो फिर फाइनली क्या चेंजेस आते हैं. And I am sure that we are going to bless our life with faith, with belief and with trust. हरिओम.